तो आईसीसी देगा बीसीसीआई को अपनी आधी पगार। इसका साफ मतलब यह है कि बीसीसीआई तो हो गया मालामाल, लेकिन पाकिस्तान हो गया ठन ठन गोपाल। अब इसका मैं आपको एक मतलब बताता हूँ। इसका साफ मतलब है कि जो डर्बन में अभी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, या कह सकते हैं एनुअल मीटिंग हुई थी, उसमें आईसीसी बैठा था, बीसीसीआई बैठा था और अन्य बोर्ड मेंबर्स भी बैठे थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मीटिंग हुई है, उसमें आईसीसी ने अपना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है 2024 से 2027 तक का शेयर किया। उसमें अगर आप बीसीसीआई का शेयर सुन लेंगे जो आईसीसी ने उनको एलोकेट किया है, तो हिल जाएंगे। वो शेयर है 38.5%, यानी कि 38.5% है वो शेयर, यानी कि ऑलमोस्ट 40% हो जाता है। पिछले साइकिल की बात करो तो बीसीसीआई को सिर्फ 22.4% मिलता था, और अब जो इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि उस शेयर में जो इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है 72% का, यानी 72% का, ना 10%, ना 20%, ना 30%, ना 40, ना 50, सीधा 72% का यहाँ पर इंक्रीमेंट मिला है बीसीसीआई को। अगर आप बाकी बोर्ड्स की बात करें तो बाकी बोर्ड्स तो 10% से ऊपर भी नहीं जा पाए, 10 भी नहीं जा पाए, मैं कहना चाहूँगा 10 से नीचे ही हैं सबके सब। और अगर आप सबसे फेवरेट आईसीसी के, अगर आप जो है बोर्ड मेंबर या कह सकते हो फेवरेट कंट्री की बात करें पाकिस्तान की, उसके में अगर आप देखें तो उनके पास एनुअल अर्निंग आई है 34.51 मिलियन के हिसाब से, और उनकी जो एलोकेट की गई है उनको जो रेवेन्यू शेयरिंग, वो है 5.75% की सिर्फ। और यहाँ पर अगर आप बीसीसीआई की बात करो, यानी कि इंडिया की बात करो, तो 38.50 का मतलब यहाँ पर बनता है $231 मिलियन, और अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में देखें तो लगभग 2,000 करोड़ रुपये पर ईयर। और कहीं ना कहीं जो डील हुई थी अभी हाल ही में आईसीसी और जो इंडियन मीडिया राइट्स ब्रांड है डिज्नी स्टार, उसमें उनके बीच में जो डील हुई थी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो इंक्रीमेंट हुआ है जो रेवेन्यू शेयरिंग का, वो बीसीसीआई की तरफ से या बीसीसीआई को जो मिलने वाला है उसकी वजह से इतना ज़्यादा हुआ है, जो कि डील हुई थी आईसीसी और डिज्नी की, डिज्नी स्टार के बीच में, उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं अगर आप बाकी बोर्ड्स की बात करें तो बाकी बोर्ड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमों को भी इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा। अगर आप परसेंट शेयर ऑफ अर्निंग्स देखें ऑस्ट्रेलिया का, तो 6.25 है। इंग्लैंड की बात करो तो 6.89, इंडिया तो 38.50 है ही। उसके अलावा न्यूजीलैंड की आप तरफ देखो तो 4.73, पाकिस्तान 5.75, और श्रीलंका की तरफ देखो तो श्रीलंका का है 4.52 और साउथ अफ्रीका का है 4.37। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की बात करो तो 4.58, बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इन सब की तो बात छोड़ी, तो जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को इतना ज़्यादा नहीं दे पाए, तो उसके अलावा आयरलैंड जैसी कंट्री और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे को तो कितना ही देंगे। पर फिलहाल जो पूरी तरीके से यहाँ पर सामने चीज़ आ रही है, बाकी बोर्ड मेंबर जिनकी शिकायत है, उन सबका यही कहना है कि बीसीसीआई को इतना ज़्यादा क्यों, यानी कि 72% का इंक्रीमेंट एकदम से, ना 10, ना 20, ना 30, एकदम से 72% का इंक्रीमेंट क्यों, जबकि पिछले साल, यानी कि पिछले साइकिल में उनका जो है, अगर आप बात करें रेवेन्यू शेयरिंग थी सिर्फ 22.4%, अब सीधा 38.5% लगभग हो गई 40%। आप अपनी राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।